तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिरौनी गेमिंग यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप लोग अपनी रैंक को प्लस कर सकते हो एंड कैसे आप लोग अपने हर एक मैच को विन करके बहुत ही आसानी से हीरोइक जा सकते हो। तो अगर आप लोग भी अपनी रैंक को प्लस करना चाहते हो एंड हीरोइक जाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। एंड आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, सो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपका भाई आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता है, बहुत छोटी सी, कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो या फिर अगर आपने हमारी वीडियो को पहली बार देखा है सो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करके चैनल को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, बिकॉज इस चैनल पे आपको फ्री फायर का हर एक कंटेंट मिलता रहता है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस गेम को स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले आना होगा अपने लॉबी में। एंड यहाँ पर लॉबी में आने के बाद आपको स्कैनर को लेना है एंड उसके बाद बाउंटी को लेना है, ठीक है। आपको ये दो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप बोन फायर वगैरह कुछ मत लेना, बट आप बस आपको बाउंटी को लेना है एंड स्कैनर को लेना है, ठीक है, जो कि आप सभी को पता ही है। एंड इसके बाद आपको आना है अपने पेट वाले ऑप्शन में। एंड यहाँ पे आने के बाद आपको फैलकॉन पेट को इक्विप कर लेना है, ठीक है। एंड इसकी एबिलिटी ये है कि जब भी आप लैंडिंग करोगे, ठीक है, जब भी आप उतरोगे तो ऐसे में आपको 50% ज्यादा स्पीड मिल जाएगी, ठीक है, अगर आप इसको यूज करते हो तो। एंड गाइस जहां तक रही इस पेट की बात तो ये आपको फ्री में मिला था। एंड अगर आप लोग अपनी रैंक को प्लस करना चाहते हो एंड हीरोइक जाना चाहते हो तो ऐसे में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसी पेट का यूज करो, ठीक है। एंड जैसा कि आपको पता है कि लैंडिंग हमारे मैच का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, मतलब अगर हम ठीक से लैंड नहीं करते हैं, ठीक से उतरते नहीं है, तो ऐसे में हमें ना तो गन मिलेगा एंड ना ही हमें कुछ और मिलेगा। एंड हमारी लैंडिंग परफेक्ट नहीं होती तो ऐसे में कोई भी एनिमी हमको बहुत ही आसानी से मार के चला जाएगा, बिकॉज उसके पास लूट होगी एंड हमारे पास कुछ नहीं होगा। एंड गाइस आपको पता ही है कि अगर हम उतरते हुए मर जाते हैं तो ऐसे में हमारा बहुत ही गंदा वाला माइनस लगता है, मतलब 40-50 के आसपास माइनस लग जाता है, ठीक है। मतलब जिस रैंक को प्लस करने में आपको 2-3 मैच लगता है वो सिर्फ आपकी एक गलती की वजह से पूरा माइनस चला जाता है। तो ऐसे में आपको रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है, आपको ऑलवेज फैलकॉन पेट का यूज करना है, क्योंकि फैलकॉन पेट आपको 50% ज्यादा स्पीड देता है जब भी आप उतरते हो तब। तो आपका जो पूरा मैच होता है वो आपकी लैंडिंग के ऊपर ही डिपेंड होता है, मतलब अगर आप उतरते ही मर जाते हो तो ऐसे में आपका माइनस लगेगा। सो ऐसे में आपको कभी भी रिस्क नहीं लेना है, आपको ऑलवेज फैलकॉन पेट का यूज करना है। एंड गाइस आपको लैंडिंग कैसे करना है ये मैं आपको बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ, सो गाइस अभी आप फिर से सुन लो। आपको उतरना वहाँ पे है जहाँ पे आपका दिल करे, ठीक है, एंड जहाँ पे एनिमी कम आते हो। एंड गाइस अभी के जो प्लेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं, उनको भी ये टिप पता है कि हमें रैंक पुश करने के लिए प्लेन से दूर उतरना चाहिए, ठीक है। सो ऐसे में आप वहाँ पर उतरो जहाँ पर आपका दिल करे एंड जहाँ पर आपको सेफ फील होता हो। बट यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप एंड आपका एनिमी दोनों एक ही जगह पर उतर रहे हो, आप जैसे कि एक घर है, ठीक है, एंड उस पर आप एंड आपका एनिमी दोनों वहीं पर उतर रहे हो, सो ऐसे आपको उस डायरेक्शन को चेंज कर देना है, मतलब जहां पे एनिमी उतर रहा है आपको वहां से हट जाना है एंड कहीं दूर चले जाना है, ठीक है। एंड जब आपकी लूट कंप्लीट हो जाती है तब आप उसको वापस आके बहुत ही आसानी से मार सकते हो। बट ऐसे में आपको दोनों को एक साथ कभी भी नहीं उतरना है, बिकॉज देखो अगर एनिमी पहले उतर गया एंड उसको गन मिल गई तो आपको मार देगा, एंड आप पहले उतर गए एंड आपको गन मिल गई तो आप एनिमी को मार दोगे। सो ऐसे में एडवांटेज दोनों के पास होगा, तो ऐसे में आपको रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। एंड अगर आपके साथ कोई एनिमी आता है तो ऐसे में आपको अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देना है एंड आप उसको बाद में लूट करके बहुत ही आसानी से मार सकते हो, बट ऐसे में आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। एंड बाकी आप उतरो वहीं पर जहाँ पर आपका दिल करे एंड जहाँ पर आपको सेफ फील होता हो। एंड यहाँ पर मैं भीमा शक्ति पर उतरा था एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मेरे 1 किल हो चुके हैं, ठीक है, एंड इसीलिए मेरे को प्रो वाली फीलिंग आ रही है एंड मैं भटकती आत्मा की तरह घूम रहा हूँ। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, मतलब अगर आपके पास एक प्रॉपर लूट हो जाती है एंड एक अच्छी सी लूट हो जाती है सो इसके बाद आपको करना है सर्वाइव। एंड गाइस जैसा कि आपको पता है कि हमें मैच को विन करने के लिए मैच को एकदम लास्ट तक लेके जाना होता है, मतलब एकदम लास्ट जोन तक लेके जाना होता है। एंड अगर आप लोग ऐसे ओपन में घूमते हो तो कोई भी एनिमी आपको बहुत ही आसानी से मार के चला जाएगा। एंड गाइस आपको मैच को एंड तक लेके जाने के लिए आपको पूरे मैच में सर्वाइव करना होगा, ठीक है। एंड सर्वाइव करना कोई भी गलत बात नहीं होती, हर एक प्रो प्लेयर सर्वाइव करता है जो अपनी रैंक को प्लस करना चाहता है वो। एंड आप लोग टूर्नामेंट वगैरह का एग्जांपल ले सकते हो कि वहां पे गाइस पूरे मैच में सर्वाइव होता है, बिकॉज़ वो लोग मैच को विन करना चाहते हैं ना कि किल करना चाहते हैं, ठीक है। एंड अगर आप लोग भी अपने मैच को विन करना चाहते हो, हर एक मैच को बुआ निकालना चाहते हो सो इसके लिए आपको हर एक मैच में सर्वाइव करना होगा। एंड कौन कहता है कि प्रो प्लेयर सर्वाइव नहीं करते, वो रस करके खेलते हैं, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। प्रो प्लेयर भी सर्वाइव करता है जब वो अपनी रैंक को प्लस करना चाहता है तब। एंड गाइस वहां पर मैंने बहुत देर तक सर्वाइव किया एंड यहां पे आप लोग देख सकते हो कि मेरा जोन श्रिंक होना स्टार्ट हो चुका है। एंड गाइस आपको जोन कवर कैसे करना है ये मैं आपको हर एक वीडियो में बता चुका हूँ कि जब आपका जोन श्रिंक होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तब आपको जोन के बिल्कुल साइड साइड से होकर जोन के अंदर जाना है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा आगे गया एंड यहाँ पे मेरे को एक एनिमी दिखा, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं सामने से नहीं गया बिकॉज ऐसे में वो मेरे को हेडशॉट भी मार सकता था। एंड इधर से मैं घूम के गया एंड यहाँ से मैं जैसे बाहर निकला एनिमी ओपन में आ रहा था एंड इसको मैंने बहुत ही ओपी वाले हेडशॉट के साथ किल किया। सो आपको ये वाला हेडशॉट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एंड इसी के साथ हमारे 2 किल कंप्लीट हो चुके हैं एंड अभी भी 8 बंदे लाइव हैं। एंड चलते हैं फटाफट से जोन के अंदर एंड देखते हैं कि क्या हम इस मैच को विन कर पाएंगे या फिर नहीं। एंड गाइस यहाँ से मैं जोन कवर कर रहा था एंड यहाँ पे मुझे एक एनिमी दिखा जो कि गुलवाल के पीछे था
एंड यहाँ पे मैंने उसको थोड़ा बहुत डैमेज दिया एंड मैं यहाँ पे कवर में हूँ। एंड गाइस यहाँ पे आप लोग देखो कि मैं कवर में हूँ, ठीक है। एंड जब भी आप एनिमी के ऊपर रश करो तो ऑलवेज ग्लूआ लगा के रश करना, बिकॉज एनिमी ऐसे में आपको हेडशॉट भी मार सकता है। एंड यहाँ पे आप लोग मेरी मूवमेंट देख सकते हो कि मैंने अपने मूवमेंट स्पीड की हेल्प से कितनी आसानी से एनिमी को मार दिया एंड एनिमी मेरे को टच भी नहीं कर पाया। तो अगर आप लोग शॉर्ट रेंज में फाइट ले रहे हो तो ऐसे में आपके पास एक अच्छी सी मूवमेंट होनी चाहिए। तो ऐसे में अगर आपके पास कोई ग्लूआल नहीं होगा या फिर अगर आपके पास कोई कवर नहीं होगा सो ऐसे में आप एनिमी से बहुत ही आसानी से बच सकते हो। एंड आप लोग पिछली क्लिप में देख सकते हो कि मेरा जो एम था वो मिस हो चुका था, बट मैंने अपनी मूवमेंट स्पीड की हेल्प से एनिमी को बहुत ही आसानी से मार दिया। एंड अगर आप किसी एनिमी से शॉर्ट रेंज में फाइट ले रहे हो तो ऐसे में आपके पास एक अच्छी सी मूवमेंट होनी चाहिए। एंड इसी के साथ हमारे 3 किल कंप्लीट हो चुके हैं एंड अभी भी 4 बंदे अलाइव हैं, मतलब मेरे को छोड़ के 3 बंदे अभी भी अलाइव हैं। एंड इधर से मैं जा रहा था एंड यहाँ पे मेरे को डैमेज पड़ा एंड जैसे मैं इस एनिमी को मारने गया किसी और एनिमी ने इसको मार दिया। एंड गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अभी सिर्फ 3 बंदे अलाइव हैं। एंड गाइस आपको क्या लगता है कि क्या ये मैच भूया हो पाएगा या फिर नहीं, जल्दी जल्दी कॉमेंट करो। एंड यहाँ पर एक एनिमी था जिसको मैंने देख लिया था बट वो मेरे को नहीं देख पाया था एंड इसको मैंने इधर से आके बहुत ही आसानी से मार दिया। एंड इसी के साथ हमारे 4 किल कम्प्लीट हो चुके हैं, अभी भी सिर्फ 1 बंदा अलाइव है, मतलब 1v1 का सिचुएशन है। एंड गाइस यहाँ पे मैं थोड़ा सा आगे गया एंड यहाँ पे मेरे को एक एनिमी दिखा एंड इसको मैंने सिर्फ नेट से ही मार दिया। एंड गाइस यहाँ पे हमारा 5 किल के साथ भूया हो चुका है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।